हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ चैनल में। तो आज हमारा क्लॉक का सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था सिर्फ क्लॉक, क्लॉक के बारे में सिर्फ हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह वगैरह किया था। आज हमारा क्लॉक पार्ट नंबर 2 चल रहा है, तो ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्लॉक पर क्वेश्चंस लेने वाले है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। ठीक है, याद तो क्लियर है, क्या क्लियर है मेरा, है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम यूजर नेम है मैथ चैनल, 8 दिसंबर को लाइव क्लास है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्लॉक पार्ट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चले फिर। हाँ तो चलिए फिर, क्वेश्चन यह है कि चार बजकर 15 मिनट पर 4:15 घड़ी की दोनों सुइया के बीच, सॉरी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा यह क्वेश्चन है। कल हमने एक ट्रिक सीखी थी, हवर इंटू 30 डिग्री अपॉन मिनट इंटू 11/2, जो भी बड़ा फैक्टर होगा उससे छोटा फैक्टर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना है, तो ट्रिक हम दूसरे मार्कर से लेते हैं, दो नए की मार्कर से मैच, ठीक है। तो ट्रिक है, क्या दिए गए हमें हवर दिया गया है 4 hours गुना 30 डिग्री और मिनट दिया गया है 15 मिनट गुना 11/2, तो इसका फिर 120 डिग्री और इसका फिर 165/2 जो कि 82.5 डिग्री। तो अगर मैं इसको माइनस, मतलब कि बड़ा फैक्टर दिया गया है 120 बड़ा फैक्टर है, बड़े फैक्टर में से हमें छोटा फैक्टर घटाना है, तो बड़ा फैक्टर 120 से हमें 82.5 डिग्री घटाना है, जो कि आएगा फिर 37.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चार बजकर पंद्रह मिनट पर घड़ी दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। तो ट्रिक क्या है हमारी, हवर इंटू डिग्री अपॉन मिनट इंटू 11/2, तो उसका जो आंसर आएगा, तो बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर घटाना है हमें, तो वही घटाकर हमारा आंसर आ गया 37.5 डिग्री। याद तो क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आ गया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी तो अभी यही क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा
ठीक है, तो यह क्वेश्चन सॉल्व करके देखो आप, अगर आपको आता है तो समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि अभी सिर्फ यहाँ पर दिया गया 12 बजकर और यहाँ पर दिया गया 48 मिनट और यहाँ पर बड़ा कोण पूछा गया है। बड़ा कोण देखिए आपको आता है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12 बजकर 48 देखिए 12 बजकर 48 मिनट पर घड़ी दोनों सुइयों के बीच बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा। हमें पिछले क्वेश्चन में छोटा कोण पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमें बड़ा कोण पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है, ट्रिक है, ट्रिक क्या है फिर, ठीक है, 4 × 30 डिग्री मतलब 12 × 30 डिग्री नीचे आएगा फिर 48 × करा दो अपॉन दो तो इसका आएगा फिर 360 डिग्री और इसका आएगा फिर 264। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं बताइए जल्दी से, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट जो निकालना है कॉपी में राइट कर लो, जो निकालना है वो कर लो लिख। देखिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ है तो हमें क्या करना है कि 360 में से 264 घटा देंगे तो फिर 96 आएगा, 96 डिग्री। तो यह हो गया हमारा छोटा कोण। हमें क्या पूछा गया, बड़ा कोण पूछा गया हो तो बड़े फैक्टर में से मतलब कि 360 में से 96 डिग्री माइनस कर दो जो कि आंसर आएगा फिर 264। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। हाँ जी, आपको समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए फिर से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन है 12 बजकर 48 मिनट पर घड़ी दोनों सुइयों के बीच बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा। तो ट्रिक है कि जितना हवर दिया गया है क्वेश्चन में उसे 30 डिग्री से गुना कर दो और नीचे जितना मिनट दिया गया है उसे 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या होगा कि 12×30 हमें इस क्वेश्चन में 12 मतलब कि 12 हवर दिया गए हैं और 48 मिनट दिए गए हैं तो यहाँ पर 12×30 डिग्री होगा जो कि आएगा 360 डिग्री। नीचे 48×11/2 जो कि आएगा फिर 2 से, देखिए ये हमने काटा ये आ गया 24। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया था। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना, बात क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? ठीक है, देखिए 24×11 करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, तो बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर जब घटाएंगे तो छोटा आएगा, छोटा कोण आएगा। तो हमें बड़ा कोण पूछा गया तो सबसे पहले हम छोटा कोण निकालेंगे उसके बाद बड़ा कोण निकालेंगे। तो ऐसे ही 360 से हम 360 में से 264 घटा लेंगे तो 96 डिग्री आएगा। 96 डिग्री हमारा छोटा कोण होगा जो हमें बड़ा कोण निकालना है।
तो बड़े फैक्टर में से अभी 96 मतलब कि 360 डिग्री में से 96 डिग्री घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा जो कि है 264 डिग्री, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। याद एक बात क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं अभी। ये क्या सीख रहे हैं हम, जो कि कल जो हमने सीखा ना वही सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अभी, कि एक बजकर बावन मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यह क्वेश्चन है अभी, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, 1:52 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, 1/30 करेंगे, 52 गुना 2 करेंगे जो कि आएगा 30 डिग्री, और फिर इसका आएगा फिर 286 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आसानी से बड़ा फैक्टर है 286 डिग्री जो कि 30 डिग्री से घटा देंगे और फिर आंसर पाएंगे 256, जो कि गलत आंसर है। हाँ, कंसेप्ट सीखिए सबसे पहले, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आप कुछ भी लिख लेंगे, अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया गया है तो ये रॉन्ग ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अभी सही आंसर देखते, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो सही आंसर देखते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए, एंगल के बाद जो डिफरेंस आएगा, ना वो अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या करना है कि आपको यह करना है कि जो डिफरेंस आएगा ना उसे 360 डिग्री से घटा देना है आपको। 360 में से उसे घटा देना है, ना कि बढ़ा देना है, ठीक है, घटा देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए। तो फिर क्या आया थी, फिर
वन गुना 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आया था और नीचे 52 डिग्री गुना 11 गुना 2 इसका आएगा फिर इसका क्या आया था 256 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो तो हमें क्या करना है, 360 डिग्री से बड़ा एंगल घटा देना है जो कि है बराबर। तो हमें 360 में से 256 डिग्री घटा देना है जो कि आंसर आएगा फिर आपका 104 डिग्री। यह आपका आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है ना क्लॉक बस्टर है, हाँ वही बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं वो तो आपको कोई मुश्किल होने नहीं दूंगा। आप सिर्फ वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट, क्लॉक बस्टर क्या है। सर इतना बोल रहे तो क्लॉक बस्टर क्या है हम देखेंगे। तो आप देखिए कि क्लॉक बस्टर होता क्या है। देखिए रिलेशन, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, रिलेशन बिटवीन हवर एंड अ मिनट हैंड, हवर हैंड एंड मिनट हैंड। मतलब कि घंटे की सुई और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का संबंध, ठीक है, यह है क्लॉक बस्टर। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। देखिए, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है रिलेशन और, ठीक है देखते हैं अभी, ठीक है तो देखते हैं अभी। चलिए देखिए, एक घड़ी दी गई है आपको, घड़ी ये घड़ी है, ये 12 3 6 9 ठीक है। अगर ये हवर हैंड 12 पर है और मिनट हैंड कोई 12 पर है, ठीक है, तो फिर एक बजने के लिए हमें ये मिनट हैंड तो लाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। देखिए, जब मिनट काटा यहां से यहां, मतलब कि जब मिनट काटा 60 मिनट कवर करेगा तो 1 बजेगा, क्लियर है ना। देखिए, जब ये मिनट काटा, देखे ये मिनट काटा है तो ये यहाँ पर 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 यहाँ पर
मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मिनट जब कवर करेगा, जब 60 मिनट कवर करेगा तभी तो एक बजेगा ना, तभी तो एक बजेगा। देखिए समझा था अच्छी तरह से, फिर से देखिए। देखिए एक आदमी है, एक आदमी है जिसे जिसे एक राउंड मार कर यहां से यहां तक फिर से आना है, यहां से यहां तक कंप्लीट करने के लिए राउंड 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अगर इस आदमी को इतना बड़ा राउंड क्लियर करना हो तो ये 12:12 निकल रहा है, तो उसे 1 बजे यहाँ तक फिर से पहुंचना है, 1 बजे यहाँ से यहाँ पर फिर से पहुंचना है। कितने 60 मिनट इसको लगते है इतना ग्राउंड कवर करने के लिए, ठीक है। देखिए 55 मिनट का नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, 55 मिनट का अंतराल, 55 मिनट का अंतराल तय करने के लिए अंतराल तय करने के लिए 60 मिनट ये आदमी लेता है। अगर घड़ी के बारे में लेना है तो लेती है, ठीक है, घड़ी लेना है तो लेती है, घड़ी लेती है। हम आदमी के द्वारा सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए इस आदमी को अगर 55 मिनट का अंतराल यहाँ से यहाँ तक तय करना है, 55 मिनट का अंतराल, तो उसे 60 मिनट, देखिए 55 मिनट का अंतराल उसे तय करने के लिए 60 मिनट ये आदमी लेता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है नोट कर लीजिए। हाँ एक दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि देखिए मिटा देता हूं, ये हवर ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये हवर हैंड है मिनट हैंड है। अगर इस मिनट हैंड को यहां तक आना है 1 बजे मतलब कि 12 से मिनट को 1 पर आना है तो उसे 5 मिनट खिसकना पड़ेगा, 5 मिनट उसे खिसकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये बात नोट कर लीजिए, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। देखिए 1 मिनट की दूरी तय करने के लिए, तय करने में
तय करने में 60.5 मिनट लगते हैं, मिनट लगेंगे, ठीक है। ये बात ना अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, यही बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यह तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा सब कुछ, मैं भी पानी पी लेता हूँ तब तक। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं उसे अभी। हाँ तो क्वेश्चन यह है कि मैं यह भी मिटा देता हूँ अभी। क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। सबसे पहले हम घड़ी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां है मिनट हैंड और रुक जाएगी, सॉरी एक साथ होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं इस घड़ी में 3 बजाऊंगा, तो ये हवर है, ये मिनट हैंड है, हाँ ठीक है। तो ये हवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, याद क्लियर। तो यहाँ पर होगा फिर 1, यहाँ पर होगा 2, मतलब कि इस मिनट हैंड को 3 के ऊपर आने के लिए 15 मिनट कवर करने पड़ रहे हैं। मतलब कि देखिए 12 से 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3 5 मिनट, 5 गुना 5 गुना 5 15 मिनट, ठीक है। तो 12 से 3 बजे देखिए 12 पर मिनट है, मिनट हैंड है, और 3 पर हवर हैंड है। तो मिनट हैंड को 12 से उठाकर 3 पर लाने के लिए
15 मिनट जो है कवर करने पड़ेंगे। तब ये जो है यह मिनट है 3 पर आ जाएगा। तो देखिए अभी क्या था हमारा, जब एक मिनट की दूरी तय करने के लिए साठ अपॉन 55 देखिए, एक मिनट की दूरी तय करने के लिए 60/55 ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या कवर करना है, मतलब कि 15 मिनट तय करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि 15 मिनट तय करना है तो 60/55 को यहाँ पर जो है 15 मिनट कवर हो रहे हैं, तो हम उसे 60/55 से गुना कर देंगे। तो इसका आएगा फिर 3, इसका आएगा 11, इसका आएगा इसका कितना आएगा फिर 180/11। तो हमारा आंसर आ गया, हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 16/4/11। ठीक है, तो 3:16/4/11 मिनट, मतलब कि 3:16/4/11 पर दोनों, मतलब कि पर 3:16/4/11 मिनट पर ये सब एक साथ होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट कॉपी में लिख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो क्या करना है आपको, करो। लेकिन देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपकी मर्जी कुछ भी करो, लेकिन देखो। ठीक है, तो मैं भी रुका हूँ, आप नोट कर लीजिए, मैं भी रुका हूँ, आप भी रुके हुए हैं। नोट कर लिया होगा आपने, तो ज्यादा कुछ पार्ट बचा नहीं हुआ है, सिर्फ 2 पेज है बिनकर, वही हमें क्लियर करना है। तो वीडियो मत रुकाना, वही जो है ना बहुत सीरियस लेना। लिख लिया है? लिख लिया होगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है अभी, ये 5:06 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइया एक साथ रुक जाएगी। हाँ, तो यह एक क्वेश्चन है अभी, ये बदला है और ये बदला है, सिर्फ यहाँ पर 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां रुक एक साथ होंगी। यही क्वेश्चन है जो पिछला किया था, सिर्फ नंबर बदल लिया हमने,
सॉल्व करो आप भी, मैं भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, घड़ी निकाल लेते हैं बराबर। तो हम सबसे पहले घड़ी निकालेंगे, 1 12 3 6 9 9 12 3 6, ठीक है। तो 5, सबसे पहले मैं इस घड़ी में 5 बजा दूंगा, तो फिर ये होगा मिनट काटा, ये होगा फिर मिनट काटा, यहाँ पर फिर 4, यहाँ पर ये फिर 5, तो मतलब कि ये फिर आवर हैंड, और फिर ये 1, ये 2, ठीक है। तो 12 से लेकर 5 तक कितना मिनट कवर करना पड़ रहा है, कि 1 2 3 4 5 5 5 6 25, तो यहाँ से 12 से लेकर 5 तक कितना 25 मिनट कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट की दूरी तय करने के लिए 60/55 लेते हैं, तो अभी 25 मिनट है, तो गुना 60/55, मतलब कि 60/55 है बराबर। तो हम इसे हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि 5 से 5 काटा, 5 से 1 काटा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, तो हम इसको गुना कर देंगे, 5 × 60 मतलब कि 60 300 × 1, तो मतलब कि देखिए 5 बजकर, सबसे क्लियर करता हूँ, फिर से समझाता हूँ, सिर्फ देखिए यहाँ तक कि 5 बजकर 300/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, पिछला ही क्वेश्चन है, सिर्फ आंकड़े बदले। देखिए सबसे पहले मैंने घड़ी में 5 बजा दिए, तो 12 से लेकर 5 तक 25 मिनट, मतलब कि 12 से 5 तक हमें 25 मिनट, देखिए सॉरी 12 से लेकर 5 तक हमें जाने के लिए 25 मिनट कवर करने पड़ रहे, तो हमें 1 मिनट कवर करने के लिए 60/55 मिनट कवर करने पड़ते। तो हम इसको क्या करेंगे कि 25 मिनट हमें कवर करना पड़ रहा है, तो हमें 25 × 60/55 को गुना कर लेंगे, तो आंसर आएगा फिर 300/11, तो उसका आंसर आएगा फिर 5 बजकर 300/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सॉल्व करो, यही इसी मेथड से। इसके बाद का एक ही क्वेश्चन है जो भी है, लेकिन बहुत मुश्किल है समझने के लिए। दो क्वेश्चन है। तो चलते हैं फिर आंसर की ओर। देखे क्या बोला गया है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। सबसे पहले हम घड़ी निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर घड़ी निकालने से आंसर कैसे आ जाएगा। देखिए ये घड़ी है, ये 12 3 6 9, क्या बोला गया है,
एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, अरे यार घड़ी घड़ी के आकार में नहीं आ रही, ऐसी घड़ी बना लेता हूँ मैं, इच्छे हिट। हाँ बन गई घड़ी। हाँ ये 12, ये 3, 6, ये 9, ये 9, 12, 3, 6, ठीक है बाहर ले लिए। सबसे पहले मैं घड़ी में 2 बजाऊंगा बराबर, 1, 2, तो 2 बजेंगे फिर, सॉरी 90 डिग्री का हो रहा है ना। हाँ हाँ तो ये 2 बजा दिए, तो ये हो गया मिनट हैंड, ये मिनट हैंड, ये हवर हैंड, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो मुझे 12 से 2 बजे तक, देखिए मुझे इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना समय, कितना टाइम कवर करना पड़ रहा है, तो देखिए मुझे यहाँ तक आने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, और यहाँ तक आने के लिए 5, मतलब कि ये 5, और इधर तक जाने के लिए 5, और मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 लग रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5, मतलब कि मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, बराबर। पांच मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट में 8/55 गुना 10, फिर ये 5 2, ये 11 120/11, तो फिर इसका आएगा फिर 10 सही 10/11, जो कि आएगा फिर 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर एक साथ होगी, ठीक है। या तो फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, को कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है अभी, उसके बाद आपको छुट्टी, मुझे छुट्टी। क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी, ये अलग सा क्वेश्चन है, ये चार ये पांच बजे घड़ी, अरे बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है बड़ा ये तो। देखिए क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले घड़ी निकाल लेते हैं, फिर टाइम देंगे 12 3 9 6, उसके बाद 1 2 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है।
क्या करना है, सबसे पहले मैं घड़ी में बराबर 4 बजाऊंगा। उसके बाद मैं क्या देख पा रहा हूँ, समझ रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब कि इन इसमें 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 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बराबर है, मतलब कि 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अगर मिनट के सुई को 5 मिनट चला दिया जाए तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, मतलब कि इसका मतलब कि मैं 4 बजे के आगे भी तो मैं बना सकता हूँ ना। देखिए, ये कंडीशन नंबर 1 है। देखिए, अगर मैं मिनट काटा, 5 मिनट अगर आगे बढ़ा दूँ तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब कि 5 मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा, जो क्या आएगा फिर 5 से 5 / 11। कंडीशन 2 में देखिए अभी क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि अगर 5 मिनट में आगे बढ़ा रहा हूँ, मिनट काटा तो मुझे 90 डिग्री मिल रहा है, बराबर। तो अगर मैं 4 बजे के आगे भी तो 90 डिग्री बना सकता हूँ ना। देखिए फिर 4 बजे मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब कि इसमें 30 डिग्री और इसमें 30 डिग्री, मतलब कि 30 30 30, मतलब कि 35 मिनट्स लग रहे, तो 35 मिनट्स कंडीशन 2 में आएगा, ये 35 मिनट्स गुना 60/55, जो कि आएगा फिर 420/11। यह तक बात क्लियर है। देखिए क्या किया है हमने, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमने घड़ी में 4 बजा दिए तो हमने देखा कि हर पार्ट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने देखा कि अगर मैं 5 मिनट काटा, मिनट है 5 मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ तो मेरा 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने क्या किया, 5 डिग्री को 60/55 से गुना कर दिया, जो कि आ गया 5 से 5/11। तो मुझे ख्याल आया कि मैं 4 बजे के आगे भी तो 90 डिग्री का कोण बना सकता हूँ ना, इसलिए मैंने क्या किया कि ये 30 डिग्री हो गया, मतलब कि 7 बजे में यहाँ पहुँच गया, मतलब कि 35 मिनट्स मुझे कवर करने पड़े। तो मैंने कंडीशन 2 में 35 को 60/55 को गुना किया तो 420/11 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद है, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये आज का लेसन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ ये बदल दिया गया है, जो कि है 10-11। ये आपको मुझे बताना है, मुझे इसका आंसर नहीं आता है भाई, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले हम घड़ी निकाल लेते हैं, घड़ी का लेसन चल रहा है तो घड़ी को नहीं भूल सकते ना, तो घड़ी यह आ गया 9, यह आ गया 12 3 6। ठीक है, बताइए आप, बताओ फिर। सबसे पहले तो मैं घड़ी में 10 बजा दूंगा, 11 और ये 10,
ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड, मतलब कि मुझे, मैं देख पा रहा हूं कि क्या देख पा रहा हूं, यहां से अगर मैं काट रहा हूं, देख रहे हो तो यहां तक 30 डिग्री और यहां 30 डिग्री, मतलब कि इन दोनों में 60 डिग्री बन रही है। ये 60 डिग्री तो मुझे यहीं पर मिल गई, ठीक है। इसके आगे अगर मैं मिनट काटा आगे बढ़ा दू, 5 मिनट खिसका दू से, तो मुझे 5 गुना 55/60 को गुना कर देगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आएगा फिर 5 गुना 55/60 का आएगा फिर 5/11, ये हो गई कंडीशन 1, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन देखिए अभी क्या होता है। तो मुझे 5 मिनट कवर कर रहा हूं, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां आएगा फिर 7, ये हो गया फिर 35 मिनट्स कवर करना पड़ रहा है मुझे। तो 35 गुना 55/60 जो कि आएगा 420/11, ये आ गया आगे आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इतना पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे, आपके मर्जी से सीखेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो करना है कर दीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए सब कुछ। बाय बाय।